हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक और पैटर्न लेकर आई हूँ, बहुत इजी है, बहुत छोटा छोटा सा डिज़ाइन है, सिर्फ चार लाइंस का है और आप इसको किसी पर भी डाल सकते हैं। बॉयज़ और जेंट्स के स्वेटर के लिए डिज़ाइन परफेक्ट है। बच्चों के प्रोजेक्ट पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पर डाल सकते हैं, इवन आपने कार्डिगन और स्वेटर पर डाल सकते हैं। आप इससे आप हाफ जैकेट भी बना सकते हैं अपने लिए। और देखिए, दो दो फंदों का डिज़ाइन है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दो दो फंदों के मल्टीपल अगर आप डालेंगे तो आपका डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फंदा उतारेंगे और पूरी लाइन को सीधा सीधा बनाएंगे। ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो सीधी साइड में आपने एक फंदा उतारना है, उसके बाद आपने इस तरीके से धागा आगे करना है, फिर इसको डबल फोल्ड करके पीछे ले जाना है। अब जो धागा आपका खींचेगा इस तरीके से, ये देखिए जो टाइट धागा है आपका, उससे आपने इस तरीके से जो टाइट दिख रहा है उससे आपने दो फंदे उल्टे बनाने हैं ऐसे, और इस धागा को पीछे खींच लेना है, फिर धागा आगे लाना है, फिर से ऐसे डबल फोल्ड करके ले जाना है, और जो टाइट धागा है आपका इस तरीके से जो टाइट लगेगा उससे आपने दो फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो, अब ये पीछे खींच लेना है। इसी तरीके से आपने पूरी लाइन करनी है फर्स्ट रो, इस तरीके से डबल फोल्ड किया। अब जो आपका टाइट वाला होगा खींच के देखेंगे, जो ये पीछे खींच रहा है उससे नहीं करना है, इधर से खींच के जो टाइट हो रहा है उससे आपने दो फंदे उल्टे बनाने हैं और ये पीछे खींच लेंगे। फिर ऐसी करके पूरी लाइन आपकी बनती भी जाएगी, डबल फोल्ड करके पीछे करना है, और जो आपका टाइट वाला हिस्सा है उससे आपने दो फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर से ऐसे, फिर इस तरीके से करेंगे और दो फंदे ऐसे, एक दो, धागा पीछे खींच लेंगे, फिर ऐसे करेंगे जो टाइट वाला है उससे बुनेंगे, इसी तरीके से ये पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, लास्ट तक हमने ऐसे ही किया, ये दो फंदे बनाए, एक दो, और जो लास्ट का एज का फंदा है उसको हम सीधा बना देंगे। अब उल्टी साइड की जो रो है उसको हम पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। सेकेंड रो है उल्टी साइड, इसको पूरा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बना। अब थर्ड रो है उसको हम पूरा सीधा सीधा बनाएंगे और फोर्थ रो को पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। थर्ड रो है सीधी साइड में, पूरा इस तरीके से सीधा सीधा बनाएंगे इसको।
फोर्थ रो उल्टी साइड में पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यही दो लाइंस बनाने के बाद, एक सीधे एक उल्टे बनाने के बाद, फिर से आपने पहली लाइन से रिपीट करना है। एक फंदा उतारना है, धागा आगे करके इस तरीके से बैक ले जाना है और दो फंदे उल्टे बनाने हैं जो टाइट वाला आपका धागा होगा ऐसे, फिर खींच लेना है, फिर आगे लाना है, इस तरीके से बनाना है और दो फंदे उल्टे बनाने हैं। टाइट वाले धागे से बनाएंगे ऐसे और इसको खींच लेना है, फिर से धागा आगे लाना है, फिर पीछे ले जाएंगे। और आप इस वाले जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न है, इसको आप बॉर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बॉर्डर पे भी डाल सकते हैं और गैप की लाइंस आप कम भी रख सकते हैं, यानी कि आप दो लाइंस को करना जरूरी नहीं है, आप लगातार वही ये वाली और इसके बाद वाली लाइंस को कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये फर्स्ट रो फिर से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं इसको रिपीट करके दिखा रही हूँ। ये फर्स्ट रो है और इसके बाद वाली लाइन उल्टी बनेगी। इस तरीके से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना देंगे। फिर इसके बाद की जो लाइन है उसको उल्टा बुनेंगे और दो लाइंस गैप देने के लिए इसमें उल्टी सीधी बनाएंगे और फिर इसको कंटिन्यू करते हुए जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन लगता है, थोड़ी मोटी वूल पे डालिएगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो फिर बनाइए, डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।